हाजिर है एक और नई रेसिपी के साथ और आज हमने बनाया है गोभी मंचूरियन और उसके साथ बनाई लिट्टी। वैसे इसके साथ तो नूडल्स वगैरह फ्राइड राइस खाया जाता है लेकिन हमने थोड़ा आविष्कार किया है और हम इसे लिट्टी के साथ खाने जा रहे हैं। खाना ठीक है तो फ्रेंड इसकी रेसिपी भी शेयर की है और पहली बार बनाया वैसे तो एक बार और बनाए थे वो पत्ता गोभी से बनाए थे लेकिन इस बार ही बंद गोभी से बनाए सॉरी फूल गोभी से बनाए तो देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है और मन भी कर रहा है जल्दी से खाने का इसलिए गरम गरम भी है अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है ठीक है मुझे गरम नहीं लग रहा है हो गए ठंडी आने की वजह से बस भाप पे गर्मी निकलती है तो चलिए फ्रेंड्स हमारी पहले रेसिपी देख लीजिए उसके बाद हम अपना चैलेंज शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम अपना चैनल शुरू करते हैं।
सो थ्री टू वन गो। कितनी चम्मच डालो? ओए हमको खाने कितनी जल्दी हो रही है, मेरी प्लेट में हाथ लगा। ठंड इतनी हो गई है कि बहुत जल्दी ठंडे हो गए खाना हमारा तो। वैसे इसमें कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा आपको? धीरे धीरे खाना चाहिए नहीं तो मुंह में अटक जाएगा। मैगी में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है। हाँ जो फेवरेट चीज थी वो तो खा ली जल्दी। हाँ मैं अपनी फेवरेट चीज की जल्दी हाथ चलाता हूँ, जो फेवरेट थी होती है वो मेरे गले में नहीं अटकती है। ध्रुव कितना तेज लड़का, जिसकी फेवरेट होती है मतलब वो गले में नहीं। फेवरेट फेवरेट मतलब मेरी इंग्लिश खाने की जरूरत नहीं है। बोलता है ना बस, क्या बताएं आपको। अब इतना ज़राय लोगे ना एक दिन पागल कर देगा आपको ये। मतलब थोड़ी सी बहुत बोलने की भी कोशिश करती है ना, लेकिन इतनी लड़का पहली बेइज्जती कर देता है कि अगली बार बोलने की हिम्मत नहीं है। तो अच्छा ये कॉम्बिनेशन अच्छा था ना वैसे, अच्छा लगा। हाँ खाते खाते काफी सही लगने लगा, और हमारी जो बॉल्स थे ना इतनी सॉफ्ट हो गई थी, रसगुल्ला से भी सॉफ्ट। बस एक कांटा मारा नहीं कि वो फूट के एकदम बिखर रही थी, इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। बस अच्छा लगा काफी, मेरे से भी तो फूट जा रही है, हमारा पेट भर गया है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी यही थी, अलग सी और कुछ नया बनाने की कोशिश करी, और पहली बारी में अच्छा लगा वैसे है ना खाना, मतलब कॉम्बिनेशन जो था ठीक लगा। अगर उसे वैसे भी खाओगे बिना चाउमीन या नूडल्स के तो भी अच्छा लगेगा, और इसे भी अच्छा लगा। हालांकि सब्जियों से दूर रहता है लेकिन उसमें शिमला मिर्च वगैरह डाली थी तो इसने आराम से खा ली, तो उसे भी ठीक लगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।